और महालक्ष्मी से ये प्रार्थना करती हूँ कि उत्तराखंड सहित समस्त भारत को वे धन धान्य से तथा सुख और आरोग्य से परिपूर्ण करें। देवियों और स्वजन, उत्तराखंड की अलग पहचान और स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले स्वर्गीय श्रीमती सुशीला बोलुनी जी को इस राज्य के सभी निवासी तो याद रखते हैं। नारी में संघर्ष की शक्ति के उदाहरण के स्वरूप उन्हें सभी देशवासी सदैव स्मरण करेंगे। श्रीमती सुशीला बोलुनी जी का अदम्य साहस यहाँ की महिलाओं की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप था। श्रीमती बिरानी देवी शाह ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान अपने असाधारण साहस का परिचय दिया था। माउंट एवरेस्ट पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला बचेंद्री पाल जी और पेड़ों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर संघर्ष करने वाली गौरा देवी जैसे उत्तराखंड की महिलाओं ने पूरे देश के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के बेटी वंदना कटारिया ने एशियन गेम में शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे महिलाओं ने उत्तराखंड की संस्कृति को मजबूत बनाया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को अनुमति प्रदान करते समय मुझे विशेष प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि अधिनियम उत्तराखंड सहित हमारे देश की बहनों और बेटियों के लिए राष्ट्र निर्माण में उच्च स्तरीय योगदान देने हेतु मार्ग प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड की ये भूमि वीर प्रसभा रही है। स्वाधीनता के बाद के सभी युद्धों में उत्तराखंड के वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उन सभी वीरों को और वीर भूमि उत्तराखंड को नमन करती हूँ। भारतीय सेना ने शामिल होकर भारत माता की रक्षा करने में यहाँ के युवा गर्व की अनुभव करते हैं। राष्ट्र की रक्षा के प्रति उत्साह का ये भाव सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। हमारी थल सेना के दो रेजिमेंट्स, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का नाम उत्तराखंड के क्षेत्र के आधार पर रखा गया है। ये उत्तराखंड की शौर्य परंपरा को रेखांकित करता है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी इसी धरती के सपूत थे। हमारे वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी उत्तराखंड की ही निवासी है। देवियों और स्वजनों, उत्तराखंड की फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी निरंतर बढ़ाई जा रही है। भारत की अध्यक्षता में हुई G20 से जुड़ी गतिविधियों के क्रम में G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की एक बैठक ऋषिकेश में संपन्न हुई थी। उस बैठक में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से जुड़ी सार्थक चर्चाएं हुई। उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी गति से हो रही, साथ ही आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड में हो रही बहुआयामी प्रगति से निवेशकों में उत्साह बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि दिसंबर में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस जानकारी से मुझे प्रसन्नता हुई है कि पिछले सप्ताह तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तैयारियों के लिए आयोजित रोड शो में 21,500 करोड़ से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर की जा चुका है और इस राशि में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। निवेशकों में उत्तराखंड के प्रति बढ़ते उत्साह को कार्य रूप देने के लिए प्रयास किए जा रहा है। इन प्रयासों से उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि झारखंड के विकास में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट यानी GEP का आकलन करने की पहल सराहनीय है। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण इस राज्य में स्टेट GDP
के साथ साथ स्टेट जीईपी पर ध्यान देते देने से सतत विकास का बल मिलेगा। मैं उत्तराखंड के निरंतर विकास के लिए राज्य के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। राज्य के विकास को राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सक्रिय नेतृत्व से दिशा और शक्ति प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप दोनों की तथा तो राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा विश्वास है कि देवी देवताओं के विशेष आशीर्वाद से समृद्ध इस पावन भूमि के निवासीगण सुख समृद्धि और विकास की नई ऊंचाई तक अवश्य पहुंचेंगे। राज्य स्थापना दिवस के आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदया। यहां पुलिस निशान की परेड से वापसी